हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े, स्किन से जुड़े हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज़ की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेस वॉश जिसका नाम है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। जी हाँ, ये जो क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश होता है ना, आपने ऐड देखा होगा, प्रचार देखा होगा। खासकर इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, पिंपल होते हैं, झाइयाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों से राहत लाता है ये फेस वॉश। एज वेल एज चेहरे के टोन को, चेहरे के टेक्सचर को भी सुधारने का काम करता है और गोरा बनाने का भी काम करता है। तो आज हम जानेंगे इस क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश के अंदर मेन चीजें क्या क्या मिली होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसका प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में होगी। लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी तरीके से ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर हम बात करें क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश के अंदर मेन कंपोजिशन, जी हाँ, ढेर सारे अलग अलग कंटेंट, चाहे वो लॉरिक एसिड, मेस्ट्रिक एसिड, ग्लिसरीन की बात कर ले, ट्राइथनॉल अमीन की बात कर ले, अलग अलग फ्रेग्रेंस की बात कर ले, बीटाइन हुआ, लॉरिक सल्फेट हुआ, लॉरिक फॉस्फेट हुआ, मेथिल सेलुलोज हुआ, ढेर सारे फोमिंग यानी स्टेबलाइजर हुए या प्रिजर्वेटिव हुए या एंटीऑक्सीडेंट हुए या आप कह सकते हो झाग वाले जो आपके सर्फेक्टेंट हुए, वो सारी चीज़ें इस फेस वॉश के अंदर मिली होती है। हालांकि नेचुरल तो नहीं होती, केमिकल से ही बनी होती है, लेकिन बढ़िया होता है। JNTL कंज्यूमर हेल्थ लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत मानी जानी कंपनी है। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और 50 ml की जो फेस बॉटल की कीमत होती है ना इसके फेस वॉश की, उसकी कीमत लगभग 90 रुपये के आसपास मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे इसके यूजेस की, तो जैसा कि हमने बताया जो क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है, स्पेशली आपके एक्सेस जो ऑयल होता है चेहरे पे, उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल में लाई जाती है चेहरे से। और जो आपका ऑयल फ्री स्किन बनाने का काम करती है, जो पिंपल प्रोन स्किन होती है, जिन पर बार बार पिंपल हो जाता है, उन स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। उन स्किन पे बहुत ही बेहतरीन असर देखने का काम, यहाँ पे दिखाने का काम होता है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये सारे कंटेंट आपके चेहरे पे दाग धब्बे दूर करते हैं, पिंपल दूर करते हैं, चेहरे को गोरा कैसे बनाते हैं, तो भैया ये जो कंटेंट है ना, आपके चेहरे से एक्सेस जो ऑयली स्किन होती है, वो ऑयल को निकालने का काम करता है। और ऑयल नहीं रहेगा, सीबेसियस ग्लैंड से ऑयल रिलीज नहीं होता, सीबम रिलीज नहीं होता, तो आपका पिंपल भी नहीं बनेगा, पिंपल को भी बचाने का काम ये कर देता है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। वहीं पे बात करते हैं तो भैया ये आपका जो लिक्विड, इसका फॉर्मूला होता है ना, वो आपके बिना ड्राइनेस स्कॉच किए आपके स्किन को यहाँ पे क्लीन करने का काम कर देता है। साथ ही साथ जो आपका ऑयली साइन होता है, पिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके दाग धब्बे होते हैं, उनको भी दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये फेस वॉश माना जाएगा। साथ ही साथ आपका एवरीडे अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो जेंटल होता है और आपका स्किन को क्लीन करता है, क्लियर करता है, स्किन पे ग्लो लाने का काम ये फेस वॉश कर देता है, जिसका नाम क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है। इस तरीके से क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अगर हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे यूज करना है, तो स्मॉल अमाउंट फेस वॉश लेना है, भीगे पहले अच्छे से भिगा देना, बाम वगैरह भिगा देना, स्मॉल अमाउंट लीजिए, अच्छे से जेंटली इसको पूरा राउंड मोशन में कर करके पूरे चेहरे पे आपको लगाना होता है, और ऐसे लगाना होता है, उसके बाद कुछ देर छोड़ना होता है, उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको धो लेना होता है, फिर टॉवल से आपको टैप करके पोंछना होता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता। ठीक है, ये इसका सही तरीका हुआ। अगर ऐसे आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छा असर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं प्रिकॉशन, क्या सावधानी रखनी है, तो भैया इसे फेस वॉश को कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में रखिए, एक्सटर्नल यूज के लिए कहीं इंटरनली इंजेस्ट या इंसर्ट न करें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, है ना, उन्हें खुद से इस्तेमाल नहीं करने दें। अगर हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट, तो भैया साइड इफेक्ट इसका ज़्यादा नहीं होता, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो, और लिमिट में इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा सही होगा। ये था आपका क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। एक ऐसा फेस वॉश होता है जो कि सिंपली आपके चेहरे पे गोरापन लाने का काम और पिंपल वगैरह को दूर करने का काम कर दिया। सिंपली आपका कह सकते हो ना, चेहरा को गोरा भी किया, पिंपल भी दूर कर दिया और आपके ऑयली स्किन को दूर कर देगा। ऑयल दूर करेगा तो पिंपल वगैरह ऑटोमेटिकली दूर होगा। उम्मीद होगी जानकारी अच्छी लगी हो। इसी तरीके से ढेर सारे स्किन के जो प्रोडक्ट है, फेस वॉश है, उनकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।